गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. नमस्ते. वेलकम. आवर टुडेस सेशन इज ऑन इंजुरी, एक्सटर्नल इंजुरी, एक्सीडेंटल केसेस. तो मेरा सभी डेलीगेट से, सभी डॉक्टर से एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऐसा कि आप में से कितने लोग एक्सीडेंटल केसेस हैंडल करते हैं, एक्सीडेंट की केसेस हैंडल करते हैं. एक्सीडेंट मतलब जैसे कुछ एक्सीडेंटली हो गया, बाइक पर से गिर गया, पैर फिसल के गिर गया, कुछ कार एक्सीडेंट केसेस, कुछ बोन फ्रैक्चर्स, इंजुरीज, क्रैचेस, वूंड्स, कट वूंड्स. तो कितने लोग केसेस हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं? तो ट्रीट करते हैं तो कैसे करते हैं? यस, हम लोगों पे आते ही नहीं सर. जी ऐसा तो है नहीं. एक्सीडेंटल केसेस कम्स एक्सीडेंटली, राइट? वो कब आएंगे, कैसे आएंगे बोल नहीं सकते. वो चले जाते हैं सब एलोपैथी के यहाँ सर. नहीं, लेकिन एक आधी बार आपके क्लिनिक के सामने कोई एक्सीडेंट हो गया तो पट से पेशेंट उठा के लेके आएंगे, राइट? तो दिस केसेस कम्स रेयरली, बट आए तो क्या करने. सपोज चलो नहीं आते, लेकिन ऐसी केस आई तो आप क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, कौन सा अप्रोच वहां लेंगे, किस अप्रोच से उसे ट्रीट करेंगे, क्या अप्रोच होता है एक्सीडेंटल केसेस में? फिजिकल इंजुरी में सर अर्निका जैसे हो गया, अपन देखेंगे अर्निका ले देंगे उसको. तो ये तो थेरापेटिक प्रिस्क्रिप्शन हुआ. इसका मतलब आप इंजुरी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उस पर्सन को नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं. आप डिजीज प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, राइट? यस. तो इस केसेस में हैनिमन ने कौन सा अप्रोच दिया है, किस तरह से अप्रोच एनालिसिस होना चाहिए, कैसे हम मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट कैसा ट्रीट होगा, और मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद, एडमिनिस्टर करने के बाद, मेडिसिन एक्शन कैसी करती है, कितने देर में एक्ट होती है, कई किस तरह से एक्ट होती है. दीज ऑल थिंग्स आर रिटन इन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इन एपोरिज्म 180 to 190. I think 179 to 191. Yes. For local maladies, for physical injuries, for accidental cases, for local diseases, for external injuries. तो हैनेमन ने अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में ईच एंड एवरीथिंग जो डिजीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मेडिसिन के लिए, हर चीज के लिए लिख के रखा है. तो ये जो केसेस होते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट बहुत रेयरली आते हैं, क्योंकि उसका भी रीजन है कि उनको लगता है कि होम्योपैथी तो लेट काम करती है, फिर होम्योपैथी में कैसे जाएंगे, फ्रैक्चर पे होम्योपैथी क्या काम करेगी, फ्रैक्चर केसेस कैसे क्योर करेंगे, वुंड है, कट वुंड है तो वहां पे तो टीचर्स ही देना पड़ेगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो होम्योपैथी कैसे ट्रीट करेंगे. अब वुंड की बात अगर हम करते हैं तो वुंड के लिए मैंने आपको गैंग्रीन की केस दिखाया था. इतनी ओपन उन तो शायद किसी एक्सीडेंटल केस में मिलेगी, मिल सकती है, लेकिन इतनी ओपन उन जहां पे पूरी स्किन ही टोटली वहां से निकल गई, ऐसी केस
विथ मेडिसिन क्योर भी जो पूरे वुंड का यूनियन होके विलिंग होके कंप्लीटली वहां पे नेचुरल स्किन के जैसे स्किन। तो ये अगर हो सकता है तो एक्सीडेंट में जो कट वुंड्स होते हैं वो क्यों नहीं हील होंगे, वो भी होंगे 100% होंगे। तो हमें डेयर करना है, हमें ट्रीट करना है। हम जब लोगों को बताएंगे कि इस टाइप के भी पेशेंट हम क्योर कर सकते हैं, बाद में फ्रैक्चर के केसेस। अब फ्रैक्चर के केसेस, मेरे पास एक मुंबई का पेशेंट था जिनका राइट नी जॉइंट में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुआ था, कंपाउंड फ्रैक्चर। उस पेशेंट इमरजेंसी ऑपरेशन बोला कि अभी के अभी सर्जरी करना पड़ेगा, सब वायरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप खड़े रह नहीं सकते। उस पेशेंट को उनका मुझे फोन आया, पेशेंट का फोन पे मैंने उनके मतलब उनको कहा कि आप पहले एक्सरे करवाओ, एक्सरे करवा के एमआरआई सीटी स्कैन करवा के मुझे रिपोर्ट दीजिए। मैंने देखा तो कंपाउंड फ्रैक्चर था, छोटे छोटे मल्टीपल बोन वहां पे क्रैक हुए, मतलब बोन के टुकड़े हुए थे। तो जिस सर्जन ने उनको बोला कि इमरजेंसी अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर स्वेलिंग बढ़ जाए तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, फिर मैंने उनको कहा कि आप एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले लो दूसरे ऑर्थोपेडिक से। तो उन्होंने भी वही कहा, मतलब हर तरह से पेशेंट को ये कंफर्म हो गया कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन के बगैर काम नहीं चलेगा, सो ऑपरेशन इज कंपल्सरी। फिर मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, खाली वहां से प्लास्टर बनवा लो, आज पूर्ण सर्जन से बात कर लो। तो सर्जन सुनने को तैयार नहीं, उसने बोला कि नहीं हम ये रिस्क नहीं ले सकते। फिर पेशेंट के रिलेटिव्स थोड़े से मतलब डिप्रेस हो गए कि अब क्या करें। मैंने उनको बोला कि आप वो जो लिख के मांगते हैं उनको कंसेंट दे दो कि भाई जो भी कुछ होगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खाली अच्छी पोजीशन देके हमें प्लास्टर करवा दो। फिर सर्जन ने पूरा कंसेंट लेके दो चार दिनों के साइन लेके वो प्लास्टर कर दिया। फिर उसके बाद फोन पे जो कुछ हुआ सब फोन पे ही मैंने उसकी हिस्ट्री लिया और हिस्ट्री लेके उसके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकली जिसका एक डोज उसकी मेडिसिन आई थी कल्क्रियासल्फ उसे दिया। पेशेंट की शॉर्ट हिस्ट्री में बताता हूँ आपको, शॉर्ट हिस्ट्री ऐसी थी कि उसके बड़े सिस्टर के साथ उसका झगड़ा हुआ था और बड़े सिस्टर ने बहुत ही उसको मतलब बहुत ही बुरी तरह से उसकी इंसल्ट की थी उसके फ्रेंड के सामने। तो इंसल्ट के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसके फ्रैक्चर और गाड़ी स्लिप हो गई। तो उसमें कल्क्रियासल्फ मेडिसिन आई, कल्क्रियासल्फ देने के बाद विद इन 1 month उसके टोटल बोन जुड़ गए। वो पेशेंट मुंबई से यहाँ आया अकोला, एक नियर अबाउट 6 week बाद, और उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ 2-3 दिन रुकता हूँ और मुझे आपको कहीं पर भी साथ लेके जाना है घूमने, आप मेरे साथ चलेंगे। तो फिर हम यहीं पे, हमारे यहाँ मेड़घाट है, बहुत ही अच्छा अभयारण्य है, तो हम वहाँ घूमने गए। तो इतना अच्छा रिजल्ट उस सर्जन को जब वापस बताया तो उसने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं, बोले इट इज इम्पॉसिबल, ये विदाउट ऑपरेशन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतने अच्छे रिजल्ट फ्रैक्चर में भी है, इंजुरीज में भी है, हेड इंजुरी में भी, हर टाइप के इंजुरी में रिजल्ट है, खाली हमें डेयर करनी है ना। और शायद इसीलिए हमने मैंने कहा है डेयर टू डू वाइज। ओके, तो आज की केस भी ऐसी है, एक्सीडेंट की केस है जिसमें पेशेंट के लेफ्ट आई को इतनी सीवियर इंजुरी हुई, इंजुरी के बाद उसे हिमाटोमा हुआ, हिमाटोमा के बाद विजन लॉस हो गई।
ये केस हम आज देखेंगे कि ऐसे केसेस में किस टाइप से प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, राइट। तो आज आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है इन केसेस की बेस पर्टिकुलरली, जिसे हम सर्जिकल डिजीज भी कहते हैं, लोकल डिजीज भी कहते हैं, एक्सटर्नल डिजीज भी कहते हैं, इंजुरीज भी कहते हैं, लाइक दिस वन साइडेड डिजीज भी कहते हैं, तो इस टाइप की डिजीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और किस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, ये भी सीखने को मिलेगा। तो दिस इज कंजंक्टिवल हेमाटोमा एक्यूट आई इंजुरी। तो जो मैंने अभी जो भी आपको बताया उसका बेस डॉक्टर हैनेमन ने, क्योंकि मैंने जो भी बताया वो डॉक्टर हैनेमन के राइटिंग के बेस पे ही बोला। तो इन एफोरिज्म 189 डॉक्टर हैनेमन ने क्लियरली लिखा है, एट वेरी लिटल रिफ्लेक्शन, एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन विल सफिश टू कन्विंस अस, टू कन्विंस अस that no external malady, मतलब कोई भी external disease not occasioned by some important injury from without can arise, persist or even grow। देखो कितना अच्छा लिखा है कि कोई भी ऐसा external disease नहीं जो injuries can arise, persist or even grow without some internal cause। मतलब आप सोचो कि जितने भी इंजुरीज होते हैं जो एक्सीडेंट होते हैं, इंजुरीज होते हैं, गिरते हैं, लगते हैं, फ्रैक्चर होता है, कट इंजुरीज होती है, कुछ इंजुरीज ऐसे होते हैं दिखते नहीं है, है ना, हिडन इंजुरीज होते हैं, जितने भी इंजुरीज है, जितने भी लोकल एक्सटर्नल डिजीजेस है, इसका इंटरनल कॉज रहते मतलब होते बिगर ये डिजीज होंगे ही नहीं, ये इंजुरीज होंगी नहीं, डेफिनेटली इट्स आवर इंटरनल कॉज। अब वो इंटरनल कॉज क्या होता है, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा है, ये मतलब ये पढ़ के तो ऐसा लगता है कि हैनेमन सही में इनका ब्रेन किस कैसे बना होगा, भगवान ने कैसा बनाया होगा। विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म विच मस्ट कॉन्सिक्वेंटली बी इन अ डिजीज स्टेट, मतलब विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, ये बाहर से कितना भी लगने दो, कहीं पे भी लगने दो, कुछ भी लगने दो, कुछ भी इंजुरी, किसी भी टाइप की इंजुरी होने दो, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल कॉज होता ही है, और इंटरनल कॉज होने के बाद भी होल ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है, इट कुड नॉट मेक इट्स अपीयरेंस एट ऑल विदाउट द कंसेंट ऑफ होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हेल्थ। देखो इंजुरी, दो इंजुरी इज एक्सटर्नल, बट होल हेल्थ ऑफ दैट constitution is affected, and without the participation of the rest of the whole, the vital force that pervades all the other sensitive and irritable parts of the organism। देखो इसका मतलब बाहर से कुछ भी लगने दो, कुछ भी होने दो, कोई भी इंजुरी होने दो, सबसे पहले उसका vital force डीअरेंज हुए हुआ है, उसके बाद ही इंजुरी हुई, उस इन ऐसा समझ लो कि वो वाइटल फोर्स जो इंटरनल वाइटल फोर्स डीअरेंज हुआ उसने ही उस इंजरी को अफेक्ट किया, अट्रैक्ट किया, और उसके बाद वो इंजरी हुई। इंडीड इट इज इम्पॉसिबल टू कन्विंस इट्स प्रोडक्शन विदाउट द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द होल डीअरेंज लाइफ। सो इंटीमेटली आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड टूगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल होल इन सेंसेशन एंड मोशन। इसका मतलब कि अगर इंटरनल वाइटल फोर्स जब तक उसका सेंसेशन फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा,
या फिर वाइटल फोर्स डीअरेंज नहीं होगा तब तक बाहर की कोई इंजरी हो नहीं सकती है जब तक ये सेंसेशन एंड फंक्शन डीअरेंज नहीं हो. सो नो इरप्शंस ऑन द लीव्स, नो विटलॉक कैन ऑकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. समझ लो कि एक आधा लड़का, एंग लड़का 21-22 साल का, बढ़िया सुबह उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के, कपड़े वपड़े बढ़िया पहन के, बाल वाल लगा के बाइक लेके निकल गया अपने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए, जहां उन्होंने डिसाइड किया था मिलने के लिए. वहां गया, जाने के बाद उसने अलग सीन देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी. ये गया, ये क्या है, पूछा. गर्लफ्रेंड ने बोला, ही इज माय एक्स बॉयफ्रेंड. फिर इसका पारा चढ़ गया. इसने बोला, ये क्या, दो दो को धोखा दे रहे. फिर वो लड़की ने उसको वो एक्स बॉयफ्रेंड के सामने बहुत डांटा, उसकी इंसल्ट किया, उसकी लाइकी निकाला. उस गुस्से में आके वो लड़के ने बाइक उठाया और फास्ट चल दिया, और चलने के बाद गाड़ी स्लिप हो गई, वो लेफ्ट साइड में गिर गया और राइट साइड का उसका हैंड, लेग एंड सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया. अब यहां पे लेफ्ट साइड का क्यों हुआ, लेफ्ट साइड पे गिरा और राइट साइड का क्यों हुआ, गिरा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड का इंजर्ड हुआ, तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन नेक्स्ट एपोरिज्म में हनीमन ने दिया. देखो इन एपोरिज्म 190. सो ऑल ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैज ऑकर्ड फ्रॉम लिटिल और नो इंजुरी फ्रॉम without must therefore be directed against the whole must effect the annihilation and cure of the general malady by means of internal remedies if it is wished that the treatment should be judicious, sure, efficacious and radical. जो मैंने बोला वो next aphorism में है, लेकिन ये aphorism में हनीमन ने बताया कि ऐसे जो भी injuries होते हैं उसे हमें इंटरनल रेमेडीज देके ही क्योर करना है, इंटरनल डोज, इंटरनल मेडिसिन देके ही क्योर करना है, कोई भी लोकल एप्लीकेशंस नहीं, कोई भी लोकल एप्लीकेशंस नहीं, ऊपर से नहीं, कोई आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, कोई ऑइंटमेंट, ऊपर से मेडिसिन लगाना, नो, नेवर. हनीमन ने क्लियरली लिखा है कि एक्सटर्नल इंजुरी रहने के बाद भी आपको मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन ही देनी पड़ेगी. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डोज ऑफ द मेडिसिन. सो इन 191 हनीमन क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उसका रीजन देखो. दिस इज कंफर्म इन द मोस्ट अनएम्बिगुअस मैनर बाय एक्सपीरियंस विच शोज in all cases that every powerful internal medicine immediately after its ingestion causes important changes in the general health of such a patient and particularly in the affected external part which the ordinary medical school regards as quite isolated. Yes, even in a so-called local disease of the most external part of the body and the change it produces is most salutary, being the restoration of health of the entire body along with the disappearance of external affections without the aid of any external remedy, provided the internal remedy directed towards the whole state was suitably chosen in a homeopathic sense.
1 मिनट, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी लोकल डिजीज रहने दो, एक्सटर्नल डिजीज रहने दो, आपको वेल सिलेक्टेड रेमेडी ऑन द बेस ऑफ टोटेलिटी ऑफ द सिम्टम्स, जो आपको पूरी केस लेके जो आपको दिख रहा है वो प्रेजेंट सिम्टम्स लेके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, जो उसके आपको इंटरनल हेल्थ के लिए देना है, इंटरनली देना है, देन इट विल क्योर दैट इंजुरी आल्सो और लोकल डिजीज एंड दैट कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको वो रीजन बताता हूँ। So it could not make its appearance at all without the consent of the whole of the rest of the health, we and without the participation of the rest of the whole, yes, of the vital force that pervades all the other sensitive and irritable parts of the organism. Iska matlab ye hai ki jo hammer ne theri nikala, बॉडी का कौन सा पार्ट कौन से हमारे अटैचमेंट हमारे रिलेशन से अटैच होता है, दैट इज द मेंटल पैथोलॉजी, मेंटल इमोशनल पैथोलॉजी। जो हैनेमन ने जो साइंस निकाला न्यू जर्मन मेडिसिन, जो हैनेमन की डॉक्टर हैमर की थ्योरी है, वो इस बेस पे बेस है कि हमारे बॉडी का हर पार्ट किसी ना किसी रिलेशन से अटैच होता है, किसी ना किसी हमारे रिलेटिव से, पर्सन से, हमारे जो भी आजू बाजू में हम जिस जिस से कनेक्टेड है उससे उस बॉडी पार्ट का रिलेशन होता है। तो ये जो मेंटल इमोशनल पैथोलॉजी है, तो वो बॉय लेफ्ट साइड पे गिरा और राइट साइड की इंजरी हुई बिकॉज गर्लफ्रेंड कम्स, वाइफ कम्स, सीनियर पर्सन कम्स एट द राइट साइड। तो उस लेफ्ट साइड में गिरने के बाद उसको तो राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में इंजरी होनी थी और बोन फ्रैक्चर हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। दैट मींस वो इतना इंसल्ट हुआ उसका, इतना उसे ह्यूमिलिएट किया गया, बिकॉज ऑफ दैट ही गेट्स फ्रैक्चर एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो ये रीजन होता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है हैमर थ्योरी पे कि जिस पर्सन से हमारे इमोशंस अटैच है, हमारी अटैचमेंट है, उसका कॉन्फ्लिक्ट वहां पे जाएगा जो बोन, जो पार्ट बॉडी का उस पर्सन से रिलेटेड है। और उस पार्ट को, मतलब हैनेमन ने क्लियरली लिखा है कि पहले इंटरनल डीअरेंजमेंट होगी देन एक्सटर्नल। तो पहले उसका इंटरनल डीअरेंजमेंट हुआ, उससे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसका ऑनर इंजर्ड हुआ, उसको इंसल्ट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, उसके बाद वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होने के बाद तुरंत फास्ट, दैट मीन्स दैट बॉय इज ऑल्सो वेरी एंग्री एंड फास्ट स्पीड वाला, इसकी वजह से उसको सडन इंजुरी हुई और that connected part organs gets damage। तो ये हैनेमन ने, देखो हैमर थ्योरी तो बाद में आई, लेकिन हैनेमन ने उससे कनेक्टेड ही 189 में लिख के रखा है, the consent of the whole of the rest of the health and without the participation of the rest of the whole, the vital force that pervades all the other sensitive and irritable parts of the organism. Indeed, it is impossible to convince its production without the instrumentality of the whole dearranged life. So intimately are all the parts of the organism connected together to form an individual whole in sensation। So इसका कनेक्शन शायद हैनेमन और हैमर एक ऑरा में होते, एक या एक ही टाइम पे अगर वो दोनों भी ये साइंसेस का लिखा गया होता तो शायद एक में को कनेक्टेड काफी इसमें चेंजेस होते। लेकिन देखो अभी भी हम इसे ब्रीजिंग कर सकते हैं, यस, क्योंकि दोनों भी थ्योरी जो विजयकर सर ने इसे अप्लाइड किया इन प्रोडक्टिव होम्योपैथी, तो सर ने भी इसका काफी स्टडी किया होगा, इसीलिए सर ने उसे ब्रीच किया होम्योपैथी से। यस, सो थैंक यू वेरी मच सर, विजयकर सर को भी सैल्यूट कि सर ने इतना अच्छा इसे
दोनों साइंस को कनेक्ट किया. ओके सो हम अभी देखते हैं पेशेंट की हिस्ट्री. तो आप लोगों के समझ में आया कि ऐसे केसेस अगर हमारे पास आते हैं तो हमें कैसे मेडिसिन सिलेक्ट करना है, कैसे मेडिसिन देना है. ओके क्योंकि क्लियरली हैनेमन ने नेपोटिज्म में लिख के रखा है. सो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, 34 इयर्स ओल्ड पर्सन श्री आरएम अराइव्ड एट क्लिनिक. ही वाज एंगर ब्रदर ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. बिफोर 8 डेज एट वन नाइट, ये क्लिनिक आने के 8 दिन पहले, सॉरी बिफोर 8 डेज एट वन नाइट ही मेट मी. यस, क्लिनिक आने के 8 दिन पहले ही मेट मी इन वन मैरिज पार्टी एज ही वॉज विथ ब्लैक गॉगल. नाइट में एक रिसेप्शन में मुझे ये मिला फेशर, और नाइट रिसेप्शन था, वो नाइट में रिसेप्शन था, और उस वक्त उसने ब्लैक गॉगल पहना था. तो अगर अंधेरे में कोई ब्लैक गॉगल पहनता है तो ही बिकम अट्रैक्शन. सो एज ही वॉज विद ब्लैक गॉगल ही बिकेम अट्रैक्शन टू एवरीबडी. हेंस आई इंक्वायर्ड अबाउट द रीजन फॉर दिस. तो मुझे भी तो थोड़ा अटपिटा लगा. मैंने पूछा कि ये ब्लैक गॉगल के ऑपरेशन किया क्या था. सो ही एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट एंड वॉज अंडरटेकिंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट विच वॉज सपोज टू कंटिन्यू फॉर 2 to 3 months टू रीएब्सॉर्ब द हिमेटोमा. देखो तो आई फिजिशियन ने उनको जो ट्रीटमेंट दिया और वही ट्रीटमेंट उसे 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू लेने के लिए बोला, ताकि वो जो हिमाटोमा आंख में एक्सटर्नली एंड इंटरनली जो हुआ था वो एब्सॉर्ब हो जाए. व्हेन आई इंक्वायर्ड रिगार्डिंग विजिबिलिटी थ्रू ब्लैक गॉगल इन सच डार्क, ही टोल्ड दैट एज माय आई इज विजिबल टू एवरीबडी, पीपल आस्क अबाउट रीजन. है ना, अगर मैं गॉगल नहीं पहना तो सब लोग मुझे पूछेंगे क्या हुआ आपको. Because of that, I wear that goggle. People ask about reason, feel sorry for incidents happen here. और लोग मुझे सलाह देंगे, feel sorry that incidents, exhibit sympathy, है ना, and advise many things which I do not like. Yes. He was having complete blackish red discoloration. He was having complete blackish red discoloration in left eye with severe pain and dimness of vision since 8 days. His face was looking dangerous. Yes, you can imagine ki agar किसी का एक आंख पूरा व्हाइट है, एक आंख पूरी ब्लैक रेड है, तो वो पर्सन कैसे दिखेगा. यू कैन इमेजिन हिज फेस वॉज लुकिंग डेंजरस एंड अनप्लीजेंट टू लुक एट हिज एज. है ना, तो ऐसा अब आप लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी की आंख अगर लाल हो गई और हमने उसके चेहरे की तरफ, आंख की तरफ देखा तो हमारे आंख में भी आंसू आ जाते हैं. है ना, तो उसका इतना डेंजर फेस उस रेडनेस ब्लैकनेस ऑफ आईज आई के वजह से दिख रहा था. इन स्पाइट ऑफ ऑल ही वॉज अंडरटेकिंग ऑल रूटीन वर्क नॉर्मली. देखो इतना होने के बाद भी ही वॉज अंडरटेकिंग ऑल रूटीन वर्क नॉर्मली. डेली उसका जो भी रूटीन वर्क था वो नॉर्मली करेगा. अब आप सोचो कि वो इस कंडीशन में भी उस रिसेप्शन में आ सकता है, उस मैरिज पार्टी में आ सकता है. इसका मतलब क्या, he was undertaking all routine work normal. मतलब activity उसकी कैसी है, normal. I invited him in the clinic and try homeopathic treatment. Yes. तो मैंने just बोल दिया ऐसे कि एक बार एक काम करो, 2-3 महीने अगर उन्होंने बोला है इस treatment को लेने के लिए तो आप एक बार homeopathy try कर लो. On the next day after his arrival,
डिटेल हिस्ट्री रिवेल दैट, तो ये इंजुरी की हिस्ट्री क्या थी? ही वॉज गोइंग टू नागपुर बाय कार. द कार गोइंग विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड. 100 के स्पीड से कार चल रही थी और ये पर्सन बैक सीट पे बैठे हुआ था. फिर क्या हुआ? ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर विथ बॉटल. यस, हम लोगों को बहुत बुरी आदत होती है. हम जहां पे भी कहीं पे भी जब भी कुछ ट्रैवल करते हैं, कार से, बस से, ट्रेन से या फिर किसी भी व्हीकल से, तो एक बात की हमेशा प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कभी भी कोई भी चीज खाना नहीं, पानी पीना नहीं. फिर वैसे रहना क्या? नो. मैंने एक रूल बना के रखा है मेरे फैमिली के. हम जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो अगर गाड़ी में पूरी फैमिली बैठी है, मेरे कार में बैठी है, तो मैं कभी भी कार में कुछ भी खाने नहीं देता. स्ट्रिक्टली वो गाड़ी में पानी कभी पीने नहीं देता. किसी को भी प्यास लगती है, कुछ खाने की इच्छा है, भूख लगी है, तो मैं 10 मिनट गाड़ी रुकाऊंगा, साइड में गाड़ी रखाऊंगा, रोड के साइड में गाड़ी लगा के 10 मिनट रुक के उनको बोलूंगा कि आप अपना अभी खा लो, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा. इसके दो रीजन है. एक, चलते गाड़ी में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, और इस पर्सन के साथ वैसा ही. और दूसरी बात यह है कि गाड़ी में, चलते गाड़ी में अगर आप कुछ खा रहे हैं तो गाड़ी में वो जो फूड होता है वो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के बाद जब हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं तो उसमें एंट होती है, मुंगिया होती है. उसके बाद अगर आपके पार्किंग में कुछ चूहे हैं, रैट्स है, रैबिट्स है, रैट्स है, तो वो फूड का स्मेल उनको अट्रैक्ट करता है और वो गाड़ी में जाके कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए कभी भी गाड़ी में कुछ भी खाना नहीं, फूड आइटम्स नहीं वाला. आप गाड़ी खड़े करो, नीचे उतर के वो फूड आइटम खाओ. मैं यूरोप गया था, यूरोप में ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है. यूरोप में कभी भी कोई भी पर्सन गाड़ी में कुछ खाता नहीं. वहां पे जगह जगह पे, मतलब रोड पे रेस्ट के लिए कुछ एरियाज बनाए हुए हैं. वहां पे गाड़ी जाएगी, कोई भी गाड़ी वहां पे जाएगी, पार्किंग होगी और सब टूरिस्ट जो भी गाड़ी में है वो नीचे उतार देंगे और नीचे वो उनको बैठने की व्यवस्था भी होती है, वहां पे वो खाते हैं. तो अपने इंडिया में वैसा नहीं है. अपने इंडिया में कुछ भी है, ड्राइविंग करते करते खाएंगे, ड्राइविंग करते करते फोन पे बातें करेंगे, मोबाइल देखेंगे, है ना, स्क्रीन, गाड़ी में स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन पे कुछ भी देखेंगे. तो ये फॉरेन में नहीं है, स्पेशली यूरोप में. यूरोप में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है. यस, सो इस पर्सन के साथ क्या हुआ? सडनली ड्राइवर puts emergency brake at such a speed, 100 के स्पीड से गाड़ी चल रही है और suddenly अगर ड्राइवर ब्रेक दबाता है तो क्या हो जाएगा? फट से सामने वाले, पीछे वाले सामने फेंके जाएंगे, राइट? और उसी टाइम पे ये पेशेंट बिस्लरी के बॉटल से पानी पी रहा था. देखो, हमारे गाड़ी में ऑलवेज पानी की बॉटल होती है ना, और हम गाड़ी में पानी पीते हैं. और ऐसे टाइम पे अगर ड्राइवर ने ब्रेक दबा दिया तो कितने सीवियर इंजुरीज हो सकते हैं. और ऐसा ही कुछ इस पेशेंट के साथ हुआ. इसलिए गाड़ी में कभी भी कुछ भी खाना नहीं, पीना नहीं. तो क्या हुआ इसके साथ? He forcefully pushed on the back of the front seat. Yes.
and at the ones the mouth of bottle pressed deeply on the left eye, and there was severe injury to the left. At that moment, he frightened and shouted loudly over the driver. There was severe pain, dribbling of tears from the eyes, redness and swelling of eye due to internal bleeding. Immediately, he consulted to eye physician. Physician advised treatment such as eye drops, antibiotics and steroid, and told that he will have to continue for 2 to 3 months for complete regression of hematoma. His personal history, यहां तक आपको हिस्ट्री समझ में आई? Yes, यहां तक के हिस्ट्री में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझ में आया? तो हम इस पे कंसोलेशन एग्रीवेशन, कंसोलेशन एग्रीवेशन दैट इज सिंपथी एवर्जन टू, राइट? कंसोलेशन की बजाय सिंपथी एवर्जन टू, सिंपथी एवर्जन. यस, ही इज अ डिलिजेंट पर्सन. व्हाई डिलिजेंट? इतनी इंजरी में भी वो काम पे जा रहा था सर, अपने अपने डेली रूटीन्स कर रहा था, अपने रूटीन्स कर रहा था. मैंने ये नहीं कहा कि वो वर्क पे जा रहा था, वर्क पे नहीं जा रहा था, अपने रूटीन्स कर रहा था. इसका मतलब कि वो इतने इंजरी के बाद भी उस फंक्शन में अटेंड, मतलब वो फंक्शन अटेंड करने आया, राइट? सो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बार, कोई चेंज नहीं है ना. हम एक्यूट केस देख रहे हैं. He was a graduate person. अब उसकी पर्सनल हिस्ट्री देखो कितनी मजेदार है. He was a graduate person. He served as a teacher in one school for some years. And then he failed it and started his own private classes, teaching classes, tuition classes. तो पहले टीचर था, बाद में टीचरशिप बंद करके उसने खुद के क्लासेस स्टार्ट किया. आफ्टर फ्यू इयर्स ही स्टॉप्ड दैट एंड स्टार्टेड अदर बिजनेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. देखो, पहले जॉब छोड़ दिया, फिर प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस चालू किए, ट्यूशन क्लासेस बंद किए दिए, बाद में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में घुस गया. Then again he left the contractorship and started networking business kuch start kar diya. Then however he never could get success in any of these. Uske baad subsequently he joined one well known established political party with one leader, but leader was corrupted and was operating some black money business. So now he come in contact with the wrong person. During working with such person, once he was trapped in the one theft. One theft case. एक चोरी के इसमें ये trapped हो गया. Hence he was in depression, feeling guilty. कि मैंने ये क्या कर दिया. This was this way he again failed in life and became unsuccessful person. He was married 10 years back and it was a love marriage. In recent years, his wife was suffering from schizophrenia and OCD, obsessive compulsive disorder.
ड्यू टू इनफर्टिलिटी. दिस अगेन एडेड वन अनसक्सेसफुल स्टोरी टू हिज लाइफ. He was a lean, keen, tall person. He was not able to tolerate heat and was very sensitive to sun heat. His liking and dislikings were liking for spicy, salty, and hot food, disliking for milk and milky products. He drinks a lot of water, near about 3 to 4 liters per day. Urine, stool, perspiration, and sleep within normal limits. So this was the history. So, अब क्या करना है आप मुझे बताइए. या फिर मैं पहले आपको उसका वीडियो बता दूं. Yes, sir. See the video. मतलब उसका कॉर्निया दिख ही नहीं रहा, पूरा ब्लैक डोड़ा इकड़े दिख रहा है. स्वेलिंग ही आहे सुरुवातीला, खूप होती पहिल्या दिवशी. पहिल्या दिवशी ब्लीडिंग जबरदस्त झालंय. बस माझ्याकडे बघा इकडे जाऊ. आठ सात तारखेला 14 म्हणजे 7 दिवस झाले. हो, पाण्याने शिशी घेऊन आपली पाण्याची बिसलरीची बॉटल आहे, बिसलरीची बॉटल अशी धरली मी आणि प्यायला गेलो पाणी. तेवढ्यात अचानक ड्रायव्हर, मी मागच्या साईडवर बसलेलो होतो मागच्या सीटवर कारच्या, ड्रायव्हरने इमर्जन्सी ब्रेक मारले. ब्रेक मारल्यामुळे माझी, मी समोर झुकलो आणि बॉटल माझी जी होती ती समोरच्या सीटला लागली. मी समोर झुकलो ते एकच टायमिंग ऍडजस्ट झाल्यामुळे शिशी माझ्या डायरेक्ट डोळ्यात घुसली. अच्छा. दुसऱ्या दिवशी सकाळ मी डॉक्टरकडे गेलो, सर्जनकडे, हां, आय स्पेशालिस्टकडे, सर्जन म्हटल्यापेक्षा. तर त्यांनी सांगितलं की बा हा रेडिशनेस जो आहे तो 2-3 महिन्यापर्यंत कायम राहील, परंतु रेडिशनेस जो आहे तो स्प्रेडअपही होईल, त्यानुसार तो झालाय स्प्रेडअप, आणि 2-3 महिने मिनिमम त्याला लागतील. Yes. तब एनालिसिस, आपने वीडियो देखा, आय सर्जन आय फिजिशियन का ओपिनियन भी आपने सुना. अब हमें क्या करना है, एलिमेंट लेना है ना सर एक्यूट केस है. पता नहीं, आप बताइए क्या करना है. हाँ, एलिमेंट लेना होगा सर. ओके, एलिमेंट्स लेना है. चलो एलिमेंट्स लेते, क्या लेंगे एलिमेंट्स. तो इसी का केस बता रहे थे सर, जो गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, यही बंदा. वो तो एग्जांपल दिया मैंने कि ये हैनेमन ने भी वो मेंटल इमोशनल पैथोलॉजी 189 में कहा है कि वो भी, मतलब जो क्या बोलते पॉजिटिव फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आपको एक्सटर्नल इंजुरी भी हुई है तो उसका रिलेशन इंटरनल वाइटल फोर्स डीअरेंजमेंट के साथ होता है. वो हुए बगैर आपको होगा नहीं, और वाइटल
फोर्स का डीअरेंजमेंट तभी होगा जब आपका किसी के साथ कुछ ना कुछ मेंटल इमोशनल अपसेट हुआ है, और मेंटल इमोशनल अपसेट दैट इज द एक्साइटिंग कॉज। जब तक होगा नहीं तब तक आपको एक्सटर्नल इंजरी होगी नहीं, आपका एक्सीडेंट होगा नहीं, आपको कहीं लगेगा नहीं जब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर होगा नहीं, मतलब एक्साइटिंग कॉज और मेंटल इमोशनल पैथोलॉजी, राइट। 189 ने हैनेमन ने कहा है, और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन किसके साथ है, हैमर थेली के साथ, कि अगर आपको लेफ्ट साइड में भी रखता है आप राइट साइड में गिरने के बाद, या फिर लेफ्ट साइड में गिरने के बाद आपको राइट साइड में लगता है, इसका मतलब क्या है, आपको राइट साइड में क्यों लगा, उससे रिलेटेड पर्सन के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ये है मेंटल इमोशनल पैथोलॉजी। ये दिया कॉजेशन इसमें 189 में। यस तो सर यहाँ एलिमेंट निकालना होगा ना, किसके साथ गुस्सा है, भाई है, माँ है, किधर में एंगर है, देखना नहीं इच्छा रहा है, इंजरी आया है, तो वहां भी एलिमेंट होना चाहिए, बिना सेंसिटिविटी के तो आएगा नहीं, तो अपने को एक कारण निकालना होगा काज जो है। यस, तो मुझे ऐसा लगता कि डायरेक्ट एलिमेंट्स निकालने के बजाय हम पहले एक्यूट चार्ट देख लेते, राइट। तो एक्यूट चार्ट में क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो एक्यूट चार्ट में उसकी एक्टिविटी कैसी है, राइट, उसके एक्टिविटी में क्या हुआ, तो पहले आप एक्टिविटी देखो कि एक्टिविटी में क्या हुआ। नो चेंज एक्टिविटी, नो चेंज, वेरी गुड। देन नो चेंज में तीन रेमेडी हैं सर। यस, एक्टिविटी नो चेंज, एक्टिविटी नो चेंज में तीन रेमेडीज है, दैट इज ओपियम, नेट्रमोपियम एंड सिलिशिया, बराबर है। आप देखो फ्लो चार्ट ऑफ एक्यूट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। यस, तो अभी अभी तो सर कई मेडिसिन हो गए ना नो चेंज। हाँ, अभी तो बहुत सारे ऐड हो गए, उसमें मैग्नीशियम ऐड कर दिया, लेकिन मेन थ्री रेमेडीज ओपियम, नेट्रमेंट, सिलिशिया, टू आर हॉट एंड वन इज चिली। तो एक्टिविटी नो चेंज में तीन रेमेडीज है, ये हमने एक्यूट चार्ट में देख लिया, राइट। अब मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विजयकर्स फ्लो चार्ट ऑफ एक्यूट, एक्टिविटी नो चेंज, नो चेंज ओपीएम नेट्रोम्यूसिलिन। अब इसमें से कौन सी मेडिसिन आपको लग रही है? नेट्रम्यूर सर। कितना इजी है आप लोगों ने, अगर ये पेशेंट आप लोगों के पास आता था आप लोग इसको ट्रीट करते थे, है ना, कितना इजी है। नहीं, अरे इजी सॉरी, आपके बोलने से इजी लग रहा है सर। अरे आप लोगों ने मेडिसिन निकाला ना, केस टेकिंग, केस टेकिंग ही टफ है सर, एक्टिविटी चेंज वाला जो है। फ्लो चार्ट से भी जाते तो वही मेडिसिन आएंगे, रेपर्टराइज करेंगे तो भी वही मेडिसिन आने को ना, दिस इज द मैथमेटिक्स। लेकिन क्या है विजयकर सर हमेशा कहते थे कि होम्योपैथी इज अ मैथमेटिक्स। यस सर, तो हम अभी एनालिसिस करते हैं केस का। यस सर, हेलो। यस सर, इतना बड़ा बड़ा केस आप, हम देखते हैं जितना केस दिखा रहे हैं आप, ज्यादातर एक्यूट चार्ट के बेस पे कर दिए हैं। हम लोग पास तो बुक भी होगा तब भी हिम्मत नहीं होगा उसके ऊपर डिसीजन लेने का, तो इसीलिए तो केस दिखा रहा हूँ कि हिम्मत करो, डेयर टू बी वाइज, हैनेमन बोल के गए हैं, क्यों बोला है, उनको पता था कि हमारे डरपोक सैनिक आएंगे। ये जो सर चार्ट है ना, मतलब आप देखिए सर, सर के साथ थे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग है, हम लोग तो दूर दूर से पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हम लोगों का उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। आपने वहां मेरे साथ है ना, अभी
जी 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 केस टेकिंग डिफिकल्ट पार्ट है सर, सच में कैसे उनसे निकालना ये सब, दैट इज डिफिकल्ट पार्ट। अब देखिए सर, हम लोग भी तो बोल दे रहे हैं नेट टर्म्यूर, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने उतना देखा नहीं ना मैजिक तरह ट्रीटमेंट जो है, इसलिए हम लोगों का हिम्मत कम होता है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको आप कर सकते हैं, आप भी ऐसे केसेस ट्रीट कर सकते हैं, खाली आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, राइट? यस। सो देयर आर सर्टन कंडीशंस व्हिच डू नॉट चेंज अंडर द रेवेजेस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शंस और इलनेसेस, दिस मींस देयर इज नो चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, द पेशेंट हैज नाइदर डल नॉर become hyperactive for all practical purposes. Such patients are those who tolerate their illness without complaining, no complaint due to any cause. So, जो भी patient no complaint में है, जैसे कि activity no change में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे ये main point है जिसके base पे medicine roll out होंगे, that is the no complaining. अब no complaining क्यों है इन तीनों भी medicine में? बाद में मैग्नीशियम ग्रुप भी उसमें सर ने ऐड किया, तो ये मैग्नीशियम ग्रुप, नेट्रम ग्रुप, ओपीएम एंड सिलिशा, इनमें नो कंप्लेंटनेस क्यों होता है? तो उसका रीजन है ड्यू टू एनी कॉज। तो हर मेडिसिन का रीजन अलग अलग है, जैसे कि नो कंप्लेंट ऑफ ओपीएम बिकॉज कंटेंट, नो कंप्लेंट ऑफ नेट्रम्यूर बिकॉज ऑफ एवर्जन टू सिंपथी from others, and no complaint of cilicia because of anxiety concerns. मैं दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहता, है ना? तो यहाँ cilicia आया नहीं, क्योंकि cilicia is chilly, this patient is hot, और दो ही medicine है, opium natrimur, और clear cut है कि that patient is natrum. Yes? Consolation aggravate. Consolation aggravate. Yes. So, आगे देखते हैं. So, cilicia because of patient does not want others being troubled for him, nor does he wants to miss his duties, work or school. This is cilicia. Now, natrum-mur is very non-diligent, aggravated by sun, aggravated by visitors, elements from injury, fright, grief and love disappointment. Angry in oblique to answer, aversion to guest, people asking how are you, yes. Then aggravation by consolation, sympathy, visitors, and son. Resort, sadness without knowing why. Desire, loneliness, but wants one person in room. Vomiting with fever, grab salt and hates milk. Lower lip, scaly crack in the middle. Then natrum-mur 200 single dose was given and see the follow-up. So first follow-up after 8 days, hematoma reduced according to Herring's law of cure. अब Herring's law of cure के साथ hematoma कैसे cure हुआ? I may be Herring's law. Yes sir. तेरे को कितना observation होना चाहिए कि I may be hematoma loss हुआ, वो कैसे? Lateromedially. अब देखो hematoma कैसे गया, lateromedially, lateral side पहले क्योर हुई, then medial side. Vision improved. Yes, vision improved. Pain vanished and well-being sensation, fresh feeling. So मैं आपको इसका follow-up दिखाता हूँ, आप पहले वीडियो देखेंगे, okay? So देखो हेरिंग ब्लॉक कैसे फॉलो होता है इन एक्यूट्स आल्सो, हाई वन पार्ट आल्सो, सर्व व्यवस्थित वाटते, काही दुखत नाही, सूज ही कमी झाली। वीडियो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? सर्व व्यवस्थित वाटते, काही दुखत अब दिख रहा है, आत्मधी आयबॉलवर जी सूज होती ती कमी झाली, आणि लालसरपणा जो झाला ते तर ऑलमोस्ट संपल्यासारखा आहे, बिलकुल नाहीच्या बरोबर, थोडस उजव्या नाकाच्या साईडला आहे थोडं,
तुम्हाला कसं वाटतं? मला तर बरं प्रश्नच नाही, एकदम बेस्ट. आय एम नॉट वरीड ॲट ऑल. 7 दिवस बरोबर झाले आज. See the lateral side of eye, cure completely. Yes. And this is medial side. पूर्ण खाली बघा. आता वर बघा. सगळं व्यवस्थित वाटतंय, काही दिसत नाही. And second follow. Second follow again after 8 days, that means total 15 days. Hematoma completely regress according to Herring's law of cure, lateromedially and pain in temporomandibular joint on and off. Pain in temporomandibular joint. Dekho, pain kaha aya? That is the syphilis to sora and itching on the leg increased. This is ROS, written of original symptom. So, ye mandibular joint pain kyun aya? This is only inflammatory process. Third layer. So, ye sora tha, syphilis gaya, sora aya. That is good sign. Okay? Or follow up dekho video mein. वाटते काही म्हणजे दुखत नाही काही. अमोल वाटते काही म्हणजे दुखत नाही काही नाही, एकदम 100% व्यवस्थित वाटत आता. अच्छा. रेडनेस गेला सर्व? रेडनेस 100% ऍब्सोल्युटली गेला आहे पूर्णपणे. अच्छा. ज्यासाठी म्हणजे एक ते म्हणजे 2 ते 2.5 महिने मिनिमम, 2.5 महिने आणि जास्तीत जास्त 3 महिने. नाव यू कॅन सी ही इज अ नॉट कम्प्लिटली ऍब्सोल्युटली नॉर्मल आहे. मला आय स्पेशलिस्ट जे आहेत नागपूरला जे रिनोन्ड आहेत एकदम, त्यांनी मला हे म्हटलं होतं की बाबा कमीत कमी 2.5 महिने, जास्तीत जास्त 3 महिने तुम्हाला लागतील याच्यात. वेट अँड वॉच हे करावं लागेल आणि मेडिसिन कंटिन्यू घेत राहावं लागेल. परंतु हे जे रिझल्ट आहेत तर हे 15 दिवसातच मला तुमची मेडिसिन घेऊन हे झालं. अच्छा. आज 15 दिवस झाले का? 15 दिवस कम्प्लीट झाले. कम्प्लीट मेडिसिन स्टार्ट करून. अच्छा. पूर्ण गेला? पूर्ण 100%. अच्छा ठीक आहे. काय झालं होतं? मेडिसिन चालू घेत असतानाच्या दरम्यान या ठिकाणी आपण लंबाई देतो किंवा एखादा मोठा घास खायसाठी आ करतो, तर आ करताना या ठिकाणी म्हणजे आपण ज्या ठिकाणी समजा लॉक आहे जॉ पूर्ण हे होतो त्या ठिकाणी परत असा बंद करताना एकदम अकडून जायचं आणि इथं थोडस पेन व्हायचं, दुखायचं. अच्छा. ती जी बिजागिरी म्हणून आपण त्याला समजा सध्या भाषेत, तर ती उघडत तर होती, उघडताना प्रॉब्लेम नव्हता, पण बंद करताना एकदम असं हात लावा लागत की एकदम थनक घ्यायची त्या ठिकाणी दुखायचं. हा. परंतु किती दिवस राहिले हे? 4 ते 5 दिवस. अच्छा. 4-5 दिवस राहिलं. मागच्या 4-5 दिवसात ते व्हॅनिश झालं. काय आता कम्प्लीट आ काही करा, किती मी आ करू शकतो, किती हे करू, काही ऍब्सोल्युटली गॉन, व्हॅनिश्ड. पण ते 4-5 दिवस त्यांनी दिला मला त्रास. अच्छा. आणि आता काय होणार? आता सध्या तर कफ आहेत. अच्छा. चिकट हे पडून राहिले बाहेर आणि बस, बाकी तर काही आणि कधी कधी खूप इचिंग होत याच्यावर. इचिंग आता एवढ्यात वाढलं का? एवढ्यात हो, या 2-4 दिवसात खूप झालं. 4-5 दिवसात समजा खाजवा लागली असं खूप खाजवत राहावं. आणि यस, सो वी कॅन सी द हेरिंग्स लॉ इन अक्यूट्स आल्सो, राईट? यस यस सर. और वो भी सिंगल पार्ट में भी, सिंगल ऑर्गन में भी हम हेरिंग्स लॉ देख सकते हैं. तो बट देखो, ये जो नेट्रोम्यूर से क्योर हुआ इज एक्यूट रेमेडी, इज नॉट अ नेट्रोम्यूर कॉन्स्टिट्यूशन. नेट्रोम्यूर इज हिज एक्यूट रेमेडी.
ये पर्सन देखा आपने कितना एक्सट्रोवर्ट था, ही नेवर बी कॉन्स्टिट्यूशनली नेटरंगर, राइट? यस। तो उसके बाद उसका एक्जिमा जो था वो एक्जिमा हिज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाज सल्फर, और सल्फर लेटली चला। आफ्टर दैट आई मतलब ही कंटिन्यूड ट्रीटमेंट एंड आई प्रिस्क्राइब हिम सल्फर 200 और उससे वो कंप्लीटली क्योर हो गया। So this is acute and related to constitutional remedy. Yes, that is the relationship. So, कैसी लगी केस? Yes, very nice sir. Sir, कितने दिनों बाद उसको medicine एक ये थे sulfur? Sulfur शायद मैंने कुछ तभी 8 weeks के बाद दिया था मैंने उसको, मतलब 2 months के बाद उसको sulfur 200 दिया था एक डोज। Yes. और उसके बाद वो उसके बिजनेस में भी काफी सेटल हो गया। यस यस। सो द मैजिक ऑफ होम्योपैथी, दिस इज मैजिक ऑफ होम्योपैथी। यस, दिस इज होम्योपैथी, रियल होम्योपैथी। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इस केस से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी जो भी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उसके बाद जो बर्न के केसेस होते हैं, इंजुरीज के केसेस होते हैं, हेड इंजुरीज के केसेस होते हैं, फ्रैक्चर के केसेस होते हैं, वुंड कट वुंड के केसेस होते हैं, ये लेने चाहिए, ट्रीट करने चाहिए। जब तक हम लेंगे नहीं, ट्रीट करेंगे नहीं, तब तक आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा नहीं, करेज बढ़ेगा नहीं। और होम्योपैथी सच अ ब्यूटीफुल साइंस, गुड साइंस, ब्यूटीफुल एक्सलेंट साइंस, और इसके रिजल्ट हमें ही देना है, हमें ही प्रूव करना है कि होम्योपैथी इज अ एक्सलेंट। तो हम जब तक डेयर नहीं करेंगे तब तक ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे केसेस से यही सीखने का है, कौन सी मेडिसिन दी ये नहीं सीखने का, ये केसेस से ये सीखने का है कि हमें भी ये करते आता है और हम भी ये कर सकते हैं। यस, तो आप लोगों को भी ये करना है, आप लोग भी इसे कर सकते हैं, खाली आपको स्टार्टिंग करना है। यस, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप स्टार्ट कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है कभी भी एनी टाइम आप कॉल करो, कुछ आपको अड़चन आए, डिफिकल्टी आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कॉल करो, आपको एनी टाइम आपको अच्छा सजेशंस मिलेगा, जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व होगी। सर एनी टाइम नहीं, पक्का टाइम बता दो ना, ये टाइम पे आप कर सकते हो करके। सर बात हो सकता है क्या? बहुत क्वेरीज है। तो देखो प्लान केसेस जो होते हैं, प्लेन केसेस जो होते हैं, जिसमें मतलब छोटी मोटी डिफिकल्टी है, जो रेगुलर पेशेंट है आपके, उनमें आप उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लिनिक आवर्स में कॉल कीजिए। और जो इमरजेंसी केसेस है, आज की हमारी इमरजेंसी केस थी, ऐसे इमरजेंसी केसेस में अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो एनी टाइम यू कैन कॉल। तो सर, हेलो सर, फिर भी एक टाइम, हाँ बताओ ना, शाम के इतने बजे या फिर दोपहर के इतने बजे, ये अरे रात में भी कर सकते हैं, तब तो ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट हैं तो कभी भी। बोलना है जो नंबर है आपका आता है व्हाट्सएप पे है लिखा हुआ, वही है ना जो दो नंबर लिखा रहता है? यस यस यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर एक छोटा सा केस पूछना था, सजेशन लेना है। केस तो बहुत बड़ा है, सजेशन चाहिए आपका। एक लड़की है, मैंने एक दिन चर्चा किया था, उसका उम्र 25-26 साल होगा या 30 साल, उसको 15 साल से झटके आते थे, कन्वर्जन आता था बहुत सीवियर, तो उसने बहुत न्यूरो को दिखाया, बाद में उसको हेड में ना लेफ्ट साइड जो है नोड्यूल फॉर्मेशन है उसकी वजह से आता है। तो जब भी उसको झटका आता है ना, वो 3 दिन बेहोश रहती थी, अनकॉन्शियस रहती थी, तो वो बहुत एंग्जियस है। मैंने शुरू में जब दवाई दिया तो मैंने 2-4 चीज केवल देखा, बहुत ज्यादा मतलब वो एंग्जियस है। वो मुंबई में गई थी KMEM, 15 न्यूरो डॉक्टर से मिली थी और सजेशन लिया कब तक दवाई लेना है, कब लेना है, कितना दिन में ठीक हुआ, कंफर्मेशन के लिए सब डॉक्टरों के पास गई
किसी ने कहा वहां पे जो है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर आपको दवाई खाना होगा। और हमारे यहाँ BHU है तो यहाँ पे बहुत बड़े जो फेमस डॉक्टर हैं उनका ट्रीटमेंट 6-7 साल लिया था, तो हार के फिर मुंबई गई थी। तो बहुत दिन से परेशान थी मैं, 6 महीने से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसको काली सल्फ दिया। तो आपसे मेरा एक दिन बात हुआ था, तो उसमें डिलीरियम फाइट में भी पड़ी हुई है, एंग्जियस में पड़ी है हेल्थ है। तो उसको देने के बाद ना मैंने उसको जब दिया तो उसको फर्स्ट महीने में 3 बार झटकाया, और 3 बार जो झटकाया पहला झटका लगभग 8-10 सेकंड का, बाद में 4-5 सेकंड का, और लास्ट तीसरा झटका जो था वो 1 सेकंड का लगभग। वो बहुत खुश थी, बोली डॉक्टर साहब जिंदगी भर मैं दवाई खाऊंगी, इतना झटकाएगा चलेगा। मैं 3 दिन अनकॉन्सियस रहती हूँ तो मेरा बच्चा कौन देखेगा, मैं एलोपैथिक दवाई खाती हूँ फिर भी अनकॉन्सियस होती हूँ, झटके आते हैं आज। लेकिन मेरे को फोन की थी, 6 महीने हो गए, तो अभी 1 महीना पहले उसने वो करवाया, लाइगेशन करवाया। तो लाइगेशन के बाद एक बार झटका आया, और बीच में एक बार वो दर्शन करने गई थी, मैंने मना किया था बड़े जगह नहीं जाना है, ध्यान नहीं था, वहां गई थी तो वहां 1-2 सेकंड के लिए झटका आया था वहां से आने के बाद। और लाइगेशन करवाने के बाद झटका आया तो थोड़ा सा लंबा आया उसको, मतलब 1-2 मिनट करा होगा या 0.5 मिनट करा होगा, थोड़ा अनकॉन्सियस थी, सर में लेफ्ट साइड उसको स्वेलिंग हुआ, तो उससे घबराई हुई थी। आज फोन किया था उसने तो बोल रही है डॉक्टर। उसके बाद फिर मैंने उसको काली सल्फ 200 ही दिया कि वो हो सकता है एनेस्थीसिया की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं उल्टी वीक हुई हो। तो अभी उसको भूख वूक नहीं लग रहा है, वो परेशान है। आज मेरे को इंश्योरेंस मांग रही थी डॉक्टर कब तक ठीक होगा, मैं कभी उसको बोला नहीं था, आज मैंने उसको 3 साल का टाइम दे दिया। तो मैं चाहता हूँ सर, जैसे वो एलोपैथिक दवाई ले रही है, घबरा भी रही है, वो मेरे से इंश्योरेंस मांग रही है, लेकिन झटका पहले जैसा उसका नहीं है, तो यहाँ सर मैं क्या करूँगा? कॉन्फिडेंस वाला एसएल दे दो। कैसे देंगे कॉन्फिडेंस वाला एसएल सर? कॉन्फिडेंस वाला एसएल दे दो, बोलो कि इससे आपकी भूख बढ़ जाएंगी, ये लो डेली एक डोज, तो वो देखो उसकी भूख बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा जो इंटरनल कॉम्पेंसेटिव मैकेनिज्म होता है वो एनेस्थेटिक ड्रग्स से और जो भी वो स्पिरिचुअल पावर में गई थी उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने के बाद उसको कम्प्लीटली मतलब कॉम्प्रोमाइज होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, और वो वक्त हमें देना चाहिए। तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, वो केस अच्छी हो जाएगी। 1-1.5 महीना हो गया सर उसको लाइगेशन कराए। यस, और वेट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो घबराई है, भूख के लिए बोल रही थी, हम कहे ठीक है वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप उसको एसएल दे दो एपेटाइट बढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। हां हां सर, एवीएन का क्या काज होता है सर? AVN मतलब avascular necrosis, है ना? तो vessels जितने भी है, nerves और vessels का जो भी mental emotional position factor होता है वो होता है devaluation, किसी से तभी devalue हो गया। फिर अब वो नेक्रोसिस कौन से बोन का है, कौन से जॉइंट का है, इस पे डिपेंड करता है उसका पोजीशन। हिप जॉइंट का सर, हिप जॉइंट का है, हिप जॉइंट का है तो हिप जॉइंट का मोस्टली 2-3 इससे कनेक्शन होता है। एक तो सेक्सुअल कनेक्शन होता है, दूसरा पार्टनर के साथ, और तीसरा अगर लेफ्ट साइड है तो फिर मदर अपने से छोटे जो भी जूनियर्स है उनके साथ, और राइट है तो फिर फादर वाइफ। यस सर, लेफ्ट साइडेड में बड़ा है और राइट साइडेड में छोटा है, यानी दोनों में साइड में बायलैटरल। स्टार्टिंग किधर से हुआ, लेफ्ट पहले हुआ कि राइट पहले हुआ? लेफ्ट पहले हुआ। हाँ, तो लेफ्ट पहले हुआ, इसका मतलब उससे उसके जो भी जूनियर्स है उसके साथ उसका कुछ तभी डिवैल्यूएशन हुआ है, उन्होंने उसे डिवैल्यू कर दिया, या फिर सेल्फ डिवैल्यूएशन भी हो सकता है कि जैसे कि मेरे से छोटे है और मैं, वो इतना नाम कमा रहे, वो इतना आगे जा रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, है ना, इस टाइप का भी हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ तो कोई तभी ऐसा पर्सन है जो उससे छोटा है लेकिन उसको ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल एब्यूज और कुछ भी तभी सेक्स का टॉपिक लेके उसको डिवैल्यू कर दिया। यस, तो इस तरह से उसमें डिवैल्यूएशन के लिए ये कॉजेशन। तो सपोर्ट लेके नहीं है सर, यार डिवैल्यूएशन होगा नेक्रोसिस में? यस, जैसे स्पोंडाइलाइटिस में या कमर में दर्द रहता है तो ये होता है, सपोर्ट नहीं है। यस, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन।
अच्छा अच्छा और इसके साथ सर अगर नर्व कंप्लेन आ जाएगा तो जैसे मेरे मैंने आज ही मैंने केस देखा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस फोर्थ फिफ्थ में जो है कंप्रेस है नर्व और जब खड़ा होता है स्टैंड होता है तो ट्रेमलिंग करने लगता है। नंबर है तो इसका मतलब कहीं तभी किसी के सामने इच्छा न होते हुए भी झुकना पड़ रहा, खुद को विड्रॉल करना पड़ रहा है ना, पीछे हटना पड़ रहा, या फिर उसको ऐसी फीलिंग है कि मुझे कुछ सपोर्ट नहीं है, आई एम बोनलेस और बैक सपोर्ट बहुत ही वीक है। यस सर, उसको एनालिसिस हम कर रहे थे ना, वो केस था आज ही देखा मैंने, तो मुंबई में ही था, वहां रहता है, और उसका साले के साथ थोड़ा सा विवाद हुआ इस मैटर को लेके कि वो बोला कि हम जो खाना बनाने के लिए जो सामान लाते हैं हम ही लाते हैं, और वो जो साला है वो कुछ लाता नहीं है, तो दारू पीने वाला है, मांस मदिरा खाने वाला है, और ये जो है सिंपल लाइफ जी रहा है। तो वो बोला कि मेरा साला बोला कि आप एक काम करो, मेरे एक अलग कर दो, मैं अलग बनाऊंगा खाऊंगा, आप अलग बनाओगे, लेकिन ये फिर अलग नहीं किया, साथ में ही रह गया। तो मैं और क्वारी कर रहा था, लेकिन वो बोला था अरे डॉक्टर साहब नहीं, ऐसे ही हुआ था, थोड़ा हुआ, कुछ हुआ नहीं, ऐसे ऐसे बोल के ज्यादा घुसा नहीं अंदर। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, मतलब अपने से क्या थॉट प्रोसेस लगा सकते हैं? हेल्पलेसनेस फीलिंग ले सकते हैं, देन डिस्करेज ले सकते हैं, रेसिग्नेशन ले सकते हैं, इंसल्ट ले सकते हैं। अच्छा, राइट साइड में सर मैंने कल्केरिया सर दिया उसको 200। हाँ, वो क्या दिया वो इससे मतलब जी नहीं जी है। वो बहुत, हाँ जी सर, एक्सट्रोवर्ट था, कॉशियस था, बहुत टिमिड था, पैसे का सेविंग मनी है, कंजूस है बहुत। अभी 200 रुपए बाकी करके गया, अभी तक आया नहीं, देखते तो इसीलिए मैंने सीएस देख रखा है कल के लिए। सर मैंने केस डाली है ग्रुप पे, वो लेडीज को जो अल्सर होते थे, और उसका कहना है कि उसके घर अगर टाउन में गई तो ही होते, दूसरे गांव गई तो अपने आप निकल जाते। तो देखो टाउन के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, टाउन के साथ क्या प्रॉब्लम है उसके। सर उसको लगता है कि करनी वगैरह करी है ने, अदर कुछ है ऐसा। हाँ, दैट मींस उसको उधर जाने, उसे उधर जाने के बाद भी बाद ही होता है, मतलब उसको फियर है और वो सस्पिशियस है कि कोई कुछ तभी करने वाला है, कुछ तभी कर रहा है, राइट? लेकिन सर अपीयर होते हैं ना सर उसके बॉडी पे वो। हाँ बराबर है ना, इसका मतलब कि वहां पे डिल्यूजन है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। अच्छा, रूब्रिक। हाँ रूब्रिक, यस। अच्छा, मैंने फोटो डाले सर, सीरियस सुपरस्टिशियस है, सुपरस्टिशियस के आगे चली गई है डिल्यूजन में। पार्किंसंस है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा सर जी? पार्किंसंस का सर क्या? पार्किंसन डिजीज। हाँ तो सर उसका सर, रूब्रिक क्या रहेंगे सर इसका जी? रूब्रिक सर ये डिल्यूजन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है वो, ओ सराउंडिंग माय एनिमी। नो डिल्यूजन कॉन्स्पिरेसीज, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। अच्छा, काली ब्रोम, यस, काली लेकेसिस वहां और दो कॉन्स्पिरेसीज होगा, डिल्यूजन बी विच होगा। अच्छा अच्छा, हां ऐसा उसको लगता है, उसके खिलाफ वहां पे साजिश होती है इसलिए उसको हो रहा है जी। सात दवाई आर्सेनिक काली लेकेसिस प्लम्बर। ओके डॉक्टर शीतल जिराफे जी का बहुत देर से हाथ राइज है, बोलिए। नहीं उसी चीज के लिए सर, वही अच्छा, पूछा आप ही थे क्या? थैंक यू सर। कहाँ से है मैडम आप? धारनी। तो शैलेश जिराफे हस्बैंड है सर मेरे। क्या बात है ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो आज हम यही रुकते हैं। ओके सर, एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, ये जो नया इक्विट चार्ट है ना, एक बार आप डलवा दीजिए सर, हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ये नया हम लोग पास नहीं है। ओके, जो आपने अभी भी दिखाया उसमें कई दवाइयां सुन रहा हूँ ऐड होके आया है। ओके, ग्रुप पे भेज देते हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए।
बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय.